जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे प्रदेश के आर्थिक विकास में एक जीवन रेखा के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहाड़ों, नदियों और मनमोहक जंगलों से गुजरते इस राजमार्ग पर यात्रा से एक सुखद सदैव सवनैव अनुभव का एहसास होता है। किंतु यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि भयंकर भूस्खलन व अक्सर चट्टानों से टूटने खिसकने से इस मार्ग पर यातायात जोखिम व चुनौतियों भरा रहता है और जिंदगी थम सी जाती है। इन कमजोर ढलवानों और पहाड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर वन विभाग ने ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी को दरपेश दुश्वारियों व गंभीर चुनौतियों का समाधान खोज निकाला है। इस कार्य में कुदरत और टेक्नोलॉजी दोनों से फायदा उठाया। नवाचार की अनूठी मिसाल ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है। इंजीनियरिंग काम जैसे क्रेट स्ट्रक्चर्स, ड्राई रबल स्टोन मेसनरी और पानी जमा इस्तेमाल करने के तरीकों को भी ढलानों में शामिल किया गया। इन ढांचों ने मिट्टी के कटाव को रोकने में पूर्णता सहायता दी है और आसपास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं डाला है। परंतु इस टेक्निक का इस्तेमाल यही नहीं थमा। नारियल के छिलकों से बनी टेक्सटाइल के बड़े बड़े छीटों को ढलवानों पर इस्तेमाल में लाया गया और इन जालीदार मैट्स के द्वारा भूस्खलन से प्रभावित स्थलों को पूरी तरह से मजबूती प्रदान की गई। साथ ही पानी के बहाव को नियंत्रण में लाकर बहुत सारे जोखिम भरे स्थलों को पूरी तरह से स्थिरता प्रदान करने में विभाग ने सफलता हासिल की है। ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है और बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जो कोकोनट ट्रीज का हस्क होता है उसका मटेरियल से बनने वाला मैट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कॉयर फाइबर लॉग्स जो हैं ये कोकोनट हस्क के ही बने होते हैं। ये राउंड शेप में होते हैं, इसको हम अक्रॉस द स्लोप लगाते हैं। ये परमिएबल होते हैं और वाटर इसमें से निकल जाता है, सॉइल पार्टिकल्स है वो पीछे रिटेन हो जाते हैं। तो जो हमारी सॉइल रिटेन होती है वो हमारी काम आ जाती है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है, वहाँ हमारी वेजिटेशन आ जाती है। एक और इनोवेशन है जियोसेल्स, जो कि हाई डेंसिटी पॉलिथीन से बनी तीन आयामी सेलुलर ढांचा है। इसने ढलान मजबूत करने में इंकलाब जैसा लाया। जियोसेल्स ने मिट्टी को एक साथ बांध कर रखा, भार को बांटा और कटाव के खतरे को काफी कम किया। ये उस एरिया में यूज किया जाता है, यहाँ क्रैक्स बने होते हैं, क्रैक्स से जो पानी इन्फिल्ट्रेट होता है उससे लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। ये जो सेल्स बने होते हैं, सेल्स में हम क्या करते हैं, सॉइल को फिल कर देते हैं, प्लांटेशन को ग्रो कर देते हैं उसके ऊपर। तो ये बड़ा न्यू टेक्निक है, ये इसी लास्ट ईयर हमने यूज की थी इसको। कॉयल जियोटेक्सटाइल्स और जियोसेल्स का उद्देश्य इन इलाकों में बीज बोना और पौधे लगाना था। वन विभाग ने समझदारी से जरूरी जगहों पर स्थानीय पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां लगाई। इसका मकसद मिट्टी को बांधने और कटाव का मुकाबला करने के लिए इनकी गहरी जड़ों का फायदा उठाना था। ये पेड़ पौधे प्रकृति की ढाल के रूप में काम करती हैं। ये बारिश को रोकती हैं, अतिरिक्त पानी सोख लेती हैं और मिट्टी की सतह को मजबूत बनाती हैं। नतीजे के तौर पर ये पौधे स्थिरता के रखवाले बन जाते हैं और इन कमजोर ढलानों को मजबूत बनाते हैं। ये भार को बांटते हैं और कटाव के खतरे को काफी कम कर देते हैं। कुदरती उपाय और इनोवेटिव तकनीक का मेल एक जीत का फॉर्मूला साबित हुआ। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए ये कोशिशें हिफाजत की शक्ल में खड़े हैं। ये इस जमीन की कुदरती खूबसूरती को बनाए हुए सुरक्षित रास्ते की गारंटी देते हैं। वन विभाग की इस सफल पहल से इस अवधारणा को भी बल मिलता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ संभव है।